नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन एसआरजे पर। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको अयोध्या व श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इसी क्रम में आज हम आपके लिए श्री राम मंदिर निर्माण से जुड़ी एक और सुखद जानकारी लेकर के आए हैं। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। इसी बीच मंदिर निर्माण कार्य की सैटेलाइट इमेज भी सामने आई है, जिसमें कि निर्माण कार्य साफ साफ दिख रहा है। आपको हम निर्माण कार्य आरंभ होने के पूर्व व पश्चात दोनों के दृश्य दिखा रहे हैं, जिसमें कि भूमि की खुदाई व भूमि से मलबा निकालने का दृश्य दिख रहा है। आइए अब आपको बता दें कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए अहरौरा चुनार के कुदरान स्थित कटर प्लांट से बीते सोमवार को गुलाबी पत्थरों की पहली खेप भेजी गई है। मिर्जापुर DM प्रवीण कुमार लक्षकार ने कटर प्लांट पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राम मंदिर के निर्माण में लगाए जाने वाले पिलरों की विधि विधान से पूजा किया। इसके पश्चात गुलाबी पत्थरों को कटिंग कर तैयार किए गए पिलरों को ट्रक पर लोड किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बीते वर्ष भूमि पूजन के पश्चात L&T कंपनी को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था। इसी कंपनी ने मंदिर के पाथवे एवं अन्य कार्यों के लिए पहले राजस्थान से पत्थर मंगाने की योजना बनाई थी, परंतु लागत अधिक होने व अन्य कारणों से कंपनी ने अहरौरा के गुलाबी पत्थरों का चयन किया था। बता दें कि अहरौरा के गुलाबी पत्थरों का परीक्षण कराने के पश्चात प्रदेश सरकार से अनुमति लेकर कार्यदायी संस्था ने बीते दिसंबर माह में ही अहरौरा के कटिंग प्लांट से पत्थरों का नमूना देखकर कंपनी के अधिकारियों ने सुमित्रा स्टोन अहरौरा को पत्थरों का ऑर्डर दे दिया था। कंपनी के अधिकारियों ने सोमवार को अहरौरा स्थित कटर प्लांट से पत्थरों की कटिंग कराने के पश्चात उसका DM से विधि विधान से पूजा कराया एवं राम नामी से चुनिंदा पत्थरों को लपेटने के पश्चात पूजा किया गया। इसके पश्चात गुलाबी पत्थरों के पिलरों को एक ट्रक पर लोड कर रवाना किया गया है। L&T के प्रोजेक्ट मैनेजर ब्रिजेश सिंह ने जिलाधिकारी को अंग वस्त्रम व स्मृति चिन्ह भी भेंट कर स्वागत किया। जानकारी के लिए बता दें कि अयोध्या के श्री राम मंदिर में 4 फीट लंबे और 2 फीट चौड़े 19,000 गुलाबी पत्थरों के पिलरों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त पाथवे के लिए चौकोर गुलाबी पत्थरों की भी आवश्यकता है। मिर्जापुर DM प्रवीण कुमार लक्षकार के अनुसार पहले 4 फीट लंबे और 2 फीट चौड़े पिलरों की आपूर्ति की जाएगी। इसके पश्चात आवश्यकता अनुसार अन्य पत्थरों की आपूर्ति की जाएगी। इन पत्थरों की आपूर्ति 7 से 8 माह में पूरी कर ली जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि मिर्जापुर में गुलाबी बलुआ पत्थर की खदान होने के कारण से यहां अधिक पाए जाते हैं एवं इन पत्थरों का प्रयोग अशोक स्तंभ, संसद की सीढ़ियां, बौद्ध स्तूप और लखनऊ के अंबेडकर पार्क आदि के निर्माण में भी हो चुका है। यही नहीं, केंद्र सरकार के वन्य पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान के भरतपुर के बंशी पहाड़पुर में खनिज बलुआ पत्थर के खनन के लिए भी वन भूमि के परिवर्तन अर्थात डाइवर्जन की प्रथम स्तरीय स्वीकृति जारी कर दी है। इससे अयोध्या में आगे चलकर इस महत्वपूर्ण पत्थर के वैध तरीके से खनन का मार्ग प्रशस्त होगा। बता दें कि वर्तमान समय में अयोध्या श्री राम मंदिर की नींव निर्माण कार्य में 12 से अधिक लेयरों की ढलाई कार्य पूर्ण हो चुका है एवं नींव भराई का कार्य 2 शिफ्टों में 18 से 20 घंटे तीव्र गति से चल रहा है तथा नींव निर्माण कार्य को इसी अक्टूबर माह तक पूरा करने का लक्ष्य है एवं राम मंदिर निर्माण को वर्ष 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। तो वहीं दूसरी ओर अब दक्षिण शैली पर ही मंदिर की सुरक्षा के लिए 5 एकड़ में श्री राम मंदिर के चारों ओर परकोटे के लिए भी कार्य आगे बढ़ रहा है, जिसकी जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई श्री राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो जय श्री राम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।